पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर अगर एक अच्छा लक्ष्य देना है तो 75 से आगे 75 क्रॉस होना बहुत ज़रूरी। अगर 75 क्रॉस होते हैं तो फिर मैच में मज़ा रहता है। तेंदुलकर ट्रॉफी का आज का ये तीसरा मैच, तीसरा दिन, और अब तक 14 मैच खेले जा चुके हैं। राजू की जो बॉलर है
निकाल कर खेला है, वहाँ पर फिल्टर मौजूद है और यह जरूर इस बार जरूर निकाल दिया है 4 रनों के लिए, नहीं रोक पाएंगे ये दोनों।
चल रही थी हैदराबाद और कलकत्ता के बीच, तकरीबन 80% को पता ही नहीं चला मैच कब हुआ। ये मैच रात में 1:45 पर खत्म हुआ था। उसको जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स, 8 ओवरों में लक्ष्य दिया था 48 रनों का 6 ओवरों में। विनान क्रिकेट क्लब एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर भेज दे, बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, अतिरिक्त खिलाड़ी विनान का
स्पीड उसका फायदा जरूर उठाते हुए दोनों बल्लेबाज थोड़ी सी तेज हवा छेड़ती हुई और ये देखिए 300 रुपए 6 रन बनेंगे माय लैब सॉल्यूशन के जानिब से 300 रुपए के हकदार बन चुके हैं अब राजू और खुद भी एक ऊंची रन संख्या पे पहुंच चुके हैं। रनों के लिए गेंद जाती हुई बहुत ही बढ़िया गेंद 103 रन पूरे और ये माय लाइफ सॉल्यूशन के जानिब से 300 पूरे 600 रुपए अभी तक राजू के लिए। अलाकृति शिपिंग क्रिकेट क्लब है अलाकृति शिपिंग और ये राजू बल्लेबाजी करते हुए वैयक्तिक 70 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी वाकई अलाकृति शिपिंग का नाम यहां पर रोशन कर
रुपए और ये 900 रुपए के हकदार हो चुके हैं राजू। 76 रन बनाए, नॉट आउट, वेरी नाइस प्लेट, वेरी नाइस।
शक्ति। स्वामी ने अच्छा शॉट मारा और एक कैच और ये आउट। राजू ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा और जयप्रकाश को मिल गया पहला विकेट और ये अभिजीत कदम। जेपी को लॉन्ग रन पर सिक्स मार दिया है और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ एक और सात रन। पांच बॉल में एक ही रन दिया था लास्ट गेंद पर सिक्स मारकर। Dot ball.
गेंदबाजी इरफान की तरफ से, पांच गेंद में सिर्फ दो ही रन दिया था। इसके पहली ओवर भी जयप्रकाश राउत ने अच्छी डाली थी, पांच बॉल में एक रन दिया था, पर लास्ट गेंद पे छक्का खाता। देखते हैं लास्ट गेंद, और यह बहुत ही अच्छा शॉट, वन बाउंस, टू बाउंस, थ्री बाउंस, और ये फोर नहीं। देखते अड़ाया है बॉल, बहुत ही अच्छा स्टॉप, गुट्टू जा चक्का, और ये बहुत ही अच्छा थ्रो, सिर्फ दो ही रन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। प्रशांत चाचक जो कि वड़गांव के प्लेयर है, बहुत ही अच्छा स्टॉप, अपने टीम के लिए दो रन बचाए उन्होंने। और शाहनवाज शेख का स्टेज में आगमन, दो ओवर 11 रन, छह ओवर में 99 रन की जरूरत, हर ओवर में उनको 21 से 22 रन। देखते हैं क्या है अंपायर डिसीजन, बाउंड्री दिया है, देखते हैं अंपायर का डिसीजन क्या होता है। अंपायर कंफर्म कर रहे हैं और फोटो भी कंफर्म कर रहे हैं, देखते हैं क्या है, पब्लिक भी क्या बोलती है, कोई चार बोल रही है, कोई दो रन बोल रही है, एक डिसीजन तो पब्लिक की राय भी एक होनी चाहिए। अच्छा बाउंसर, पर देखते हैं कितने रन होते हैं, बाउंड्री अड़ता है क्या ओमकार राणे की तरफ से, और ये चार रन। और इसके बाद की कमेंट्री करेंगे रवि व्यास। फिर से बहुत ही अच्छी गेंदबाज, और ये बहुत ही अच्छा थ्रो, देखते हैं रन आउट होता है कि नहीं, पर दो रन आसानी से ले, और स्कोर हो चुका है 17।
गेंद और ये, और ये हवा में गेंद और ये 6 रन। जयप्रकाश राउत को नत्थु दावाडे ने 2 सिक्स मारे। और ये फिर से कैच का मौका, पर देखते इरफान के 2 ही रन और अच्छा बैकअप मजर का। और ये जयप्रकाश रावत की 5वीं गेंद नत्थु दाभाडे को, अच्छा शॉट, पर अभी कैच हो सकता है पराग अरोरा के बॉल के नीचे, और ये बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया है। इसके पहले ही मैच पे उन्होंने कैच छोड़ा था, इस मैच में भी उन्होंने कैच छोड़ दिया, और वो भी अच्छा बैट्समैन का नत्थु दाभाडे का, जिन्होंने 2 छक्के मारे हैं, 2 सिक्स मारे। बहुत ही आसान कैच था। यॉर्कर गेंद, देखते हैं इस पे 2 रन होते हैं क्या। राजू पेरुमल के पास बॉल, और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग राजू पेरुमल,
एक ही रन दिया है। बहुत ही बढ़िया थ्रो, शाहनवाज शेख जा भी हो गए स्टेज पे, आ जाओ। और ये खंडू का टैक लेगा, इजी कैच राजू पेरेमल के पास, और ये आउट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, आउट स्विंग डिलीवरी, बहुत ही अच्छा विकेट मिला है।
कि सिर्फ एक रन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, हर बॉल पर एक ही रन दिया उन्होंने। और विजय भालकर अब स्ट्राइक पर, जिन्होंने पहली गेंद पर इरफान को रिवर्स स्वीप 6 रन मारा था। अच्छी शॉट गेंद और एक बार बैट्समैन को फंसा दिया है प्रशांत चाचक ने। विजय बालगरे का 6 रन और अमित शेड़के जहां भी होंगे स्टेज पे आना है, उनकी फील्डिंग है इसके बाद।